नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जेनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, सटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा। और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत रामपुर किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और प्लाईवुड फैक्ट्री द्वारा नीम को डीट यूरिया का प्रयोग कर रोकने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद जिलाधिकारी को संबोधित 500 रुपये ज्ञापन श्री मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा को सौंपा। इससे पूर्व राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा कि सरकार और प्रशासन किसानों को बर्बाद करने पर उतारू है। खेती में प्रयोग होने वाले नीम को डीट यूरिया कृषि विभाग की मिलीभगत से प्लाईवुड फैक्ट्रियों में प्रयोग किया जा रहा है। इस संबंध में कई बार कृषि विभाग के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन ने साठा धान पर प्रतिबंध उस समय लगाया जब किसान फसल रोपाई की पूरी तैयारी कर चुके हैं और ज्यादातर किसानों ने नर्सरी भी खरीदी है। उन्होंने इस वर्ष धान लगाने की छूट देने की मांग की। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष शाकिर अलवी, जिला प्रचार मंत्री फिरोज खान, जाफर अंसारी, मोहम्मद फैजान, विनोद कुमार गनीमत खान सहित तमाम। जी, क्या मामला है? आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें कई सारी समस्याएं थी, जो कि एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंपा है। सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ में यह है कि जिस समय खेत फसल की बुआई का समय होता है तो फास्फेटिक उर्वरक नहीं मिलता, और जब उसकी टॉप ड्रेसिंग का समय आता है तो यूरिया खाद की किल्लत हो जाती है। और यूरिया खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो नीम कोटेड यूरिया है, नीम कोटेड यूरिया बनाने का मकसद ये था, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया किसानों के लिए और जो बिना नीम कोटेड यूरिया था वो प्लाईवुड फैक्ट्रियों के लिए या कमर्शियल प्रयोग के लिए। जो किसानों के लिए यूरिया है उसका रेट है 267 रुपये कुछ पैसे, और जो कमर्शियल प्रयोग का यूरिया है उसका रेट लगभग 2000 रुपये का है। तो ज़्यादातर प्लाईवुड फैक्ट्रियां रामपुर में जो किसानों को सस्ते मूल्य पे मिलने वाला नीम कोटेड यूरिया है उसका, मतलब कहते हैं जो खाद विक्रेता है उनसे मिली भगत करके उसका प्रयोग कर रही हैं। और ख़ास करके इधर बिलासपुर गेट पर जितनी भी प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ हैं सारी की सारी, मतलब कहते हैं नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग कर रही हैं। और इस बारे में कई बार, मतलब कहते हैं, जिला कृषि अधिकारी को फ़ोन करके अवगत भी कराया कि आज गाड़ी उतर रही है, आप देख लीजिए। अच्छा, उसमें है क्या कि जो भी यूरिया बेचा जाता है वो बायोमेट्रिक के द्वारा बेचा जाता है, तो वो फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनसे बायोमेट्रिक करा के उनके नाम पे, मतलब कहते हैं, यूरिया खाद ले लिया जाता है और फैक्ट्री में उसका गौन बनाने के काम में, मतलब फैक्ट्री का उसका यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है। तो एक समस्या ये है। दूसरा, प्रशासन ने साढ़ा धान लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि किसानों